नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज टॉप 10 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। रीवा में मिड डे मील खाने के बाद 30 से ज्यादा बच्चे बीमार। प्राथमिक पाठशाला में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बच्चों को मिड डे मील में पूरी सब्जी दिए गए थे। उज्जैन में पटेल अंबेडकर की मूर्ति का विवाद 15 साल पुराना। दोनों समाज ने रामलला की स्तुति मिलकर की, दो दिन बाद हिंसक झड़प। सिलेंडर में ब्लास्ट, महिला की मौत। मंदसौर में चाय बनाने के लिए बर्नर ऑन करते ही धमाका, पति की हालत गंभीर। उज्जैन के ओम प्रकाश शर्मा को पद्मश्री। लोक कला मार्च के लिए सम्मान, बोले 8 साल का था तब से नाटक लिख रहा हूँ। उज्जैन में डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने झंडा वंदन किया। सीएम बोले हर साल लगेगा रामायण मेला, महाकाल की नगरी में लगेगा व्यापार मेला। सर्द हवाओं से ठिठुरा एमपी, ग्वालियर छतरपुर में ज्यादा ठंड। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम बदलेगा, जनवरी के आखिरी में फिर कड़ाके की सर्दी। 15 साल बाद घर लौटे शख्स की कहानी। परिजन ने मृत समझकर कर दी थी तेरवी, अनाथों की तरह रह रहे थे 3 बच्चे। इंदौर में सड़क पर दौड़ा तेंदुआ का शावक, वीडियो वायरल। सुपर कॉरिडोर के पास कॉलोनी में दिखा अलर्ट जारी। इंदौर टीसीएस की महिला इंजीनियर ने भी दम तोड़ा, सुपर कॉरिडोर पर कार ने मारी थी टक्कर। 5 दिन पहले पिता की मौत। प्रेमी के लिए बड़ी बहन के मर्डर की इनसाइड स्टोरी। माँ बोली छोटी बेटी ने खाने में दिया था जहर, मौत होते ही प्रेमी के साथ भाग गई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।